मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विदिशा दौरे के दौरान हांसुआ गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और वहां मौजूद बच्चों से बातचीत की और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उचित निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि आंगनबाड़ी के बच्चों को अच्छा पोषण आहार दिया जाए, इसके अलावा नवजात बच्चों को राज्यपाल ने अन्नप्राशन करवाया। हांसुआ स्कूल के बच्चों से ब्लैक बोर्ड पर गणित के सवाल हल करवाकर उनकी बौद्धिक दक्षता को भी परखा है। इसके बाद गवर्नर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने कुपोषित बच्चों से मिलकर उन्हें फल वितरित किए और मरीजों के परिजनों से बात की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सिटी कोतवाली में स्थित गुलमोहर सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्होंने उद्योधन में महिलाओं को सुरक्षा के टिप्स भी दिए। विदिशा से किशन स्वरूप सक्सेना की रिपोर्ट।